एक थी लोमड़ी और एक था भेड़िया। इन दोनों की एक जगह दावत थी। दावत शुरू होने से कुछ देर पहले दोनों रवाना हो गए। रास्ते में भेड़िये ने लोमड़ी से कहा, तुम इतनी तेज क्यों चल रही हो? दावत में अभी काफी वक्त है। लोमड़ी ने जवाब दिया, मुझे जल्दी पहुंचना है। ये कहकर उसने अपनी रफ्तार और तेज कर दी। भेड़िया बोला, अभी काफी वक्त है, और वो पहले से भी आहिस्ता चलने लगा। रास्ते में एक घना दरख्त मिला। लोमड़ी आगे जा चुकी थी। भेड़िया सब्जा और ठंडी छांव देखकर दिल में कहने लगा, आहा, कैसी अच्छी जगह है, थोड़ी देर यहाँ आराम करना चाहिए, दावत में अभी काफी वक्त पड़ा है। कुछ देर आराम करने के बाद वो फिर रवाना हो गया। अभी थोड़ी दूर ही गया होगा कि उसे एक और भेड़िया मिल गया। उसने सोचा, दावत में अभी काफी वक्त है, लाओ इससे दो चार बातें करता चलूं। हंसी मजाक और बातों बातों में काफी वक्त लग गया। आगे चलकर उसे एक चश्मा मिला। थोड़ी देर उसके किनारे आराम किया, फिर एक और भेड़िए से बातें करने बैठ गया। वहां से चला तो दिल में कहने लगा, अब जरा जल्दी चलना चाहिए, कहीं देर ना हो जाए। ये सोचकर तेज दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते बेचारे का सांस फूल गया, मगर अब ये दौड़ धूप बेकार थी, क्योंकि जब वो दावत में पहुंचा तो लोमड़ी आखिरी प्लेट चाट रही थी। भेड़िए को बहुत अफसोस हुआ और उल्टे पांव लौट आया। सुस्ती और वक्त पे काम न करने का यही अंजाम होता है।